नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने HPSSC के जूनियर ऑडिटर और जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस शेयर करूंगा और जूनियर ऑडिटर का पेपर भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं 5-6 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो पहले तो मैं सिलेबस पे आता हूं। जो जूनियर ऑडिटर और जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर में जो सिलेबस रहता है वो एक्चुअल में सेम रहता है, तो इसमें आपको फ़ायदा यह हो जाएगा कि जिन्होंने दोनों पेपर भरे हुए हैं उनको तैयारी एक जैसी ही करनी है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक जैसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉमर्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें जो टॉपिक आपने पढ़ने हैं तो 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, तो हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आधे नंबर का रहेगा। तो जो सिलेबस है जिसमें कॉमर्स के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें कॉमर्स के जो सब्जेक्ट में आपने पढ़ना है, जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए उसमें अकाउंट्स में रहेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट और HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ज़्यादा जो आपका जो फोकस रखना है उसमें जो टॉपिक रहेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरीज, जो मैनेजमेंट की थ्योरी वगैरह जो है वो किसने दी, कब दी, और जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उसमें आपका रहेगा डेप्रिसिएशन, ये टॉपिक आपने थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि और बिजनेस स्टैटिक्स में भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। और जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो रहेगा 50 जो क्वेश्चन रहेंगे रेस्ट, वो GK सेक्शन से पूछे जाएंगे। इसमें GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, HPGK, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है 50 नंबर का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और काफ़ी इजी भी रहता है अगर आप ढंग से तैयारी करें। इसमें HPGK में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 तक। तो जीके में जो रहेगा आपका, इसमें जर्नल साइंस में जो है आपका पॉलिटिक्स, कंस्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जर्नल साइंस, जियोग्राफी, ये टॉपिक रहेंगे। करंट अफेयर्स में भी पूछे जा सकते हैं 3-4 क्वेश्चन, और हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, इनके 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस है। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉमर्स का जो सिलेबस है, इसमें एग्ज़ामिनर किसी भी सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं है आपने कि कोई, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है आपने अकाउंटिंग का ही पढ़ा और बाकी जैसे कि स्टैट्स का नहीं पढ़ा तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। और ऑडिटिंग में भी आपने ऐसा ही करना है, ये नहीं करना है कि ऑडिटिंग का पढ़ के गए काफ़ी ज़्यादा और क्वेश्चन आया ही नहीं, एक भी नहीं उसका। तो ये होता है, मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे पास पेपर है उसमें जूनियर ऑडिटर के पेपर में ऑडिटिंग का कुछ भी नहीं पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन होंगे खाली, उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं जूनियर ऑडिटर का पेपर। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। सेकंड क्वेश्चन है हु वियर्स द लॉस व्हेन ऑल द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो इसमें ऋणदाता रहेगा, क्रेडिटर। थर्ड जो
क्वेश्चन है वो है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम, तो ये रहेगा ऑल जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड ऑप्शन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, थर्ड है डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर कॉल्ड अप अमाउंट। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एट्सेट्रा टू पार्टनर इज डन इन, तो PL&A अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहेगा इसका राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इज, तो ये रहेगा आपका कैपिटल रिजर्व, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सेवन्थ वो है न्यूमेरिकल है, तो इफ़ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन व्हिच ₹6 हैव बीन पेड इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एट्थ स्टेटरी रिपोर्ट इज नेसेसरी इन केस ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डी ऑप्शन। नाइन्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेफर टू, तो ये रहेगा ओनर्स कैपिटल, राइट आंसर ए ऑप्शन। दसवां जो है आपका एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिड्रेशन इज व्हाट इज पेबल टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेयर होल्डर। तो ये थे 10 क्वेश्चन, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।